हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट से उसके पेरेंट्स और उसको कैसे सिबलिंग्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा जावास्क्रिप्ट का वाला फोल्डर है उसको मैं ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर, जो सो मोशन कोड करके मैं इसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। एंड अब मैं इसको हटाऊंगा एंड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी इसको हटाऊंगा, ठीक है। तो जो मेरा यार स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले तो कंसोल लॉक कर दूंगा डॉक्यूमेंट को। तो कंसोल लॉक डॉक्यूमेंट करने के बाद क्या होगा, कंसोल लॉक डॉक्यूमेंट करने के बाद बेसिकली क्या होगा कि जो भी मेरा एचटीएमएल है वो एज अ जावास्क्रिप्ट मुझे कहाँ मिल जाएगा, जो एज अ जावास्क्रिप्ट मुझे मिल जाएगा एस जावास्क्रिप्ट को, मतलब जो मेरा जो एचटीएमएल है वो एज अ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा किसको, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट को देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाके लगूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे मिल गया है मेरा डॉक्यूमेंट। बट उससे पहले, आज की टॉपिक को शुरू करने से पहले, मैं यहाँ पे ओपन करूंगा नोट पैड। नोट पैड ओपन करने के बाद मैं सिंपली ओपन करूंगा अपना ईपिक पैड और मैं यहाँ पे इसको करूंगा, मैं फिर से ऑन करूंगा इसको, करूंगा डिलीट एंड यूज ब्लू पेन। तो देखो मेरा यार, देखो मेरा है यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा बॉडी है। ये बॉडी के अंदर मान लो बहुत सारा क्या है, ये बॉडी के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे बॉडी कर देता हूँ कि ये मेरा बॉडी है और इस बॉडी के अंदर बहुत सारा एलिमेंट है और टेक्स्ट है। मान लो ये मेरा H1 है, मेरा एक H1, इसको मैं ठीक से कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे क्या है, एक H1 है, क्या है यहाँ पे मेरा एक H1 है। NH1 के साथ साथ मान लो मेरे पास एक div टैग है एंड div टैग के बाद क्या है, div टैग के बाद मेरे पास एक span टैग है। span टैग के बाद मैंने भी एक स्क्रिप्ट टैग लगा रखा है, मतलब बहुत सारा क्या है मेरे पास, बहुत सारा चिल्ड्रन है कहाँ पे, मेरे बॉडी के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा जो डिव है, मेरा जो स्पेन है, मेरा जो स्क्रिप्ट है, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी, इसका पेरेंट कौन हो, इसका पेरेंट है बॉडी। बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड कौन है यार, H1। बॉडी का लास्ट चाइल्ड कौन है, स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट का पेरेंट कौन है, स्क्रिप्ट का पेरेंट कौन है, स्क्रिप्ट का पेरेंट है बॉडी। ये चारों एलिमेंट का पेरेंट कौन है, बॉडी। स्क्रिप्ट का इस बार क्वेश्चन देखना, स्क्रिप्ट का या फिर मान लो ये जो स्पेन है इसका नेक्स्ट सिबलिंग कौन है। नेक्स्ट सिबलिंग यार मतलब इसके अगला वाला भाई, नेक्स्ट सिबलिंग कुछ ऐसा समझ लो, इसके अगला वाला भाई। तो स्पेन के बाद कौन सा भाई है भाई इसके पास, स्पेन के भाई इसके पास है स्क्रिप्ट। तो स्पेन का नेक्स्ट सिबलिंग क्या हो गया, स्क्रिप्ट। स्पेन का प्रीवियस सिबलिंग क्या हुआ, मतलब स्पेन जो है, स्पेन से पहले जो इसका भाई है वो कौन है, वो कौन है, वो डिव। यहाँ पे भाई का मतलब मान लो HTML है, ठीक, मतलब एलिमेंट है, कुछ ऐसा मत समझ लेना। तो यहाँ पे डिव क्या, डिव का मतलब स्पेन क्या है, स्पेन का जो प्रीवियस सिबलिंग है वो डिव है। डिव का पेरेंट कौन है, बॉडी। एंड एंड जो मेरा डिव है, डिव का ये वाला डिव देखना, ये वाला डिव का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, ये वाला डिव का नेक्स्ट सिबलिंग है स्पेन एंड ये डिव का प्रीवियस सिबलिंग कौन है, तो H1, ठीक है। ये वाला ट्री जो मैंने यहाँ पे बनाया, अगर ये समझ आ गया तो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट पैड करूंगा बंद एंड यहाँ पे मैं आऊंगा एंड इसी के जैसा मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे बनाऊंगा एक H1 एंड H1 के अंदर लिखूंगा दिस इज
त्रिवंशम। ठीक है, मैंने श्योर बनाया, एक डिप बनाऊंगा और डिप के अंदर मैं कुछ नहीं रखूंगा, स्पैन बनाऊंगा, कुछ नहीं रखूंगा, एंड स्क्रिप्ट तो मेरे पास है ही। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट, और मैं यहाँ पे लिखूं जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें जो बॉडी है उसके अंदर जो फर्स्ट हेड वो क्या है, जो मेरा फर्स्ट हेड है वो टेक्स नोड है। क्यों टेक्स नोड है यार, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो डॉक बॉडी और H1 के बीच में क्या एक स्पेस है, एक इंटर है, वो क्या कर दे रहा है, एक टेक्स नेट को बना दे रहा है, तो मैं इसको हटाऊंगा। बाकी यहाँ पे इस कोड को मैं इंटर मारूंगा, बट यहाँ पे एक H1 आ गया है क्योंकि इस बार जो मैंने यहाँ पे स्पेस जो था वो मैं यहाँ पे हटा दिया हूँ। तो मैं इसको कहाँ पे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा स्क्रिप्ट के अंदर, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट डॉट बॉडी डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड। करने से क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड करने से क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पे मेरा H1 मिला, मेरे को यहाँ पे क्या मिला, मेरा H1 मिला। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, कंसोल को लॉक कर दूँ, कंसोल लॉक लॉक कर दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिले देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा मेरा H1। तो H1 फर्स्ट चाइल्ड हो गया यार, मेरा बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड क्या हुआ, H1 हुआ। अगर मैं इसको मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं कि लेट H1 इज इक्वल टू लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो मेरे किसके अंदर आ जाएगा, हेडिंग के अंदर आ जाएगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉक करूं हेडिंग डॉट प्रीवियस हेडिंग डॉट पेरेंट नोड हेडिंग डॉट पेरेंट नोड, तो हेडिंग डॉट पेरेंट नोड मुझे क्या देगा, हेडिंग डॉट पेरेंट नोड मुझे बॉडी देगा, क्योंकि इस हेडिंग का मैं अगर आपको दिखाऊं, इस हेडिंग का अगर कोई पेरेंट है तो वो क्या है, मेरा बॉडी है। इस हेडिंग का पेरेंट कौन है, मेरा बॉडी है। अगर मैं इसको सिंपली ऐसे कर दूं ना तो अभी क्या होगा, अभी भी मेरा यहाँ पे बॉडी ही आएगा। क्यों, क्योंकि अब जब मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो मेरा फर्स्ट नोड कौन, मतलब मेरा फर्स्ट नोड कौन बना, मेरा फर्स्ट नोड बना टेक्स्ट, उस टेक्स्ट का भी तो पेरेंट मेरा बॉडी ही है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे जो स्पेस दे रहा हूँ अरे इसका पेरेंट भी तो मेरा बॉडी ही है, तो यहाँ पे जो पेरेंट पेरेंट मेरा पे आया है, मेरा जो पेरेंट नोड यहाँ पे आया क्या हो गया है, बॉडी हो गया। ठीक है, सिंपल, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पेरेंट को पता करने का दो चीज होता है, मतलब पेरेंट को पता करने का आप लोग दो चीज इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से नोट पैड ओपन करूंगा, नोट पैड ओपन करने के बाद मैं अपना आईपी पैन ऑन करूंगा। तो पेरेंट नोड पता करने का ना दो चीज होता है, दो फंक्शन होता है, मैं दोनों आपको बताऊंगा। पहला होता है पेरेंट नोड, जो मैंने आपको अभी बताया पेरेंट नोड, पेरेंट नोड। दूसरा होता है पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है ना कि जो पेरेंट नोड होता है वो आपको कोई भी नोड प्रोवाइड करा देगा, कोई भी नोड प्रोवाइड करा देगा, अगर कोई पेरेंट ना भी हुआ तो भी। पेरेंट नोड आपको एक टेक्स्ट नोड भी दे देगा, आपको एक कमेंट नोड भी दे देगा, आपको एलिमेंट नोड भी दे देगा। अगर आपका पेरेंट ना हो ना तो आपको वहां पे भी कोई एक टेक्स्ट नोड प्रोवाइड करा देगा, टेक्स्ट नोड या मतलब बोल सकते हो उसके रिस्पॉन्डिंग आपको नोड प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, आप नाम में ही देख रहे हो ना, नो में पेरेंट नोड, भाई पेरेंट का कोई भी नोड है वो मेरे को ला दो। ठीक है, बट पेरेंट एलिमेंट जो है वो आपको तभी रिटर्न करेगा, वो आपको तभी रिटर्न करेगा जब रियली में उसका कोई पेरेंट होगा, जब उसका पेरेंट रियली में कोई एक एलिमेंट होगा तब। जैसे मैं आपको यहाँ पे कोड में दिखाता हूँ, डॉट पे हटाओ, यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे मेरा बॉडी है,
ठीक है, यहां पे बॉडी का पेरेंट कौन है? एचटीएमएल। अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे मैं आऊं और यहां पे मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्या मुझे दे रहा है? एचटीएमएल। अगर मैं बोलूं यार यहां पे कि एचटीएमएल का पेरेंट कौन है, एचटीएमएल का पेरेंट कौन है? कोई नहीं। अरे एचटीएमएल का पेरेंट थोड़ी कोई है, बॉडी हेड का पेरेंट एचटीएमएल है। एचटीएमएल का कोई पेरेंट नहीं होता, एचटीएमएल यहां पे क्या है, कर्ता धर्म है। तो मैं यहां पे लिखूं कि डॉक्यूमेंट डॉट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट नॉन। अब बताओ यहां पे क्या पेरेंट मुझे पेरेंट नॉन मिल सकता है क्या? क्योंकि यहां पे देखना मेरे पास कोई भी पेरेंट नॉन नहीं है, तो यहां पे मेरे को क्या दे रहा है, यहां पे मेरे को डॉक्यूमेंट ही दे रहा है, ठीक है। बट यहां पे ध्यान देना इसका कोई पेरेंट नहीं होता, बट मुझे यहां पे कोई इसका एक नोट लाके दे दिया। ये बोला भाई देखो इसमें कोई भी पेरेंट नोट नहीं है, ये नोट पकड़ लो। बट यही अगर मैं करता ना इसके साथ, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट नोड पेरेंट एलिमेंट, अगर मैं इसके साथ करता ना तो मुझे नल ला के देते। मैंने आपको बताया ना पेरेंट नोड ऐसा हो गया जो आपको पेरेंट ना भी हो ना तो कोई पेरेंट एक नोड ला के दे देगा, बट पेरेंट एलिमेंट आपको क्या थ्रो कर क्या आपको देगा, नल देगा। अगर उसका पेरेंट ना हुआ, अगर उसका पेरेंट हुआ तो आपको देगा, ठीक है। जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी का पेरेंट होता है एचटीएमएल, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट पेरेंट एलिमेंट में यहाँ पे करूँ तो आपको एचटीएमएल लाके देगा। वही ये वाला फंक्शन भी आपको एचटीएमएल लाके देगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट पेरेंट नोड, ये भी आपको एचटीएमएल लाके देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पेरेंट नोड को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, दो और फंक्शन में बताऊंगा वो क्या है। वो है जैसे मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है यार, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो एच वन है, एच वन को मैं कैसे एक्सेस करता हूँ, बॉडी डॉट और मैं ये वाला ये हटा दूँ, तो बॉडी डॉट फर्स्ट हेड, यहाँ पे मैं लेट हेडिंग को मैंने कर रखा है बॉडी डॉट फर्स्ट हेड। अगर मैं हेडिंग के साथ ये चेक करूँ कि हेडिंग का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, तो मैं नेक्स्ट सिबलिंग करके यहाँ पे कर सकते, बॉडी का नेक्स्ट सिबलिंग टेक्स्ट है। बॉडी का नेक्स्ट सिबलिंग कैसे टेक्स्ट है, क्योंकि मैंने बॉडी को लिखने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया है, इतना स्पेस दे दिया है। अगर मैं लिटरली ये स्पेस हटा दूँ ना, ये स्पेस हटा दूँ, तो अब देखो अब एचटीएमएल का जो ये पेरेंट बन गया, मतलब नेक्स्ट सिबलिंग है कौन है, डिव है। अगर मैं एचटीएमएल का प्रीवियस सिबलिंग देखूँ तो यहाँ पे प्रीवियस सिबलिंग मेरे पास, यहाँ पे मैं नेक्स्ट सिबलिंग को हटा के क्या कर दूंगा, प्रीवियस सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, तो अब मुझे प्रीवियस सिबलिंग क्या मिलेगा, नल, क्योंकि एच वन का प्रीवियस सिबलिंग कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नेक्स्ट सिबलिंग कर देता हूँ, यहां से मुझे डॉट नेक्स्ट सिबलिंग मैं कर देता हूँ, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मुझे डिव मिल रहा है, यहां से मुझे डिव मिल रहा है। तो हेडिंग को मैं हटा के क्या कर दूंगा, हेडिंग को मैं हटा के डिव कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे डिव मिल रहा है। तो डिव डॉट प्रीवियस सिबलिंग मेरा क्या होगा, एच वन होगा, मेरा एच वन आ गया। अगर यही मैं कर दूं डिव डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, तो डिव के बाद मैंने क्या बनाया, डिव के बाद मैंने स्पेन बनाया, तो मुझे स्पेन मिलना चाहिए, बट मुझे क्या मिलेगा, मुझे टेक्स्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको बिल्कुल कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो स्पेस है ना ये हटाना पड़ेगा, हटाने के बाद मुझे यहाँ पे स्पेन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पेरेंट और सिबलिंग को एक्सेस कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आप लोग यार जावास्क्रिप्ट के कोर्स को कर लेना फॉलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।